प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी पॉइंट। आज इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो के माध्यम से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आपके लिए। तो भाई क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। उदाहरण सहित बहुत ही आसान शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाने वाला हूँ। आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, तो भाई बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। वीडियो आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखना है, जरूर देखना है। नो बकवास, नो टाइम पास, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आर्थिक भूगोल हमें ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, प्राप्ति और वितरण आदि से परिचित कराता है जिनके द्वारा वर्तमान में किसी देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि किसी देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संपत्ति का किस विधि द्वारा कहां पर और किस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। समझ में आया ना आपके? आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी। वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।